इनको छोड़ना है, लगता है ये संविधान में, नए संविधान में उसने लिख लिया है। नरेंद्र मोदी को विदेश में जाकर गांधी जी के सामने झुकना पड़ता है। तो हरियाणा के इलेक्शन दो दिन बचे हुए हैं, फिर भी अमित शाह और मोदी महाराष्ट्र में आए हुए हैं और दूसरे राम रेट को पे आउट पे वहाँ पे देखिए, राम रहीम को अभी तक 8 बार पैरोल पर छोड़ा है। ये नियम और कानून से बहुत विपरीत है। एक बलात्कारी, एक मर्डर कितने बार आ सकता है पैरोल पे, वो भी चुनाव में, पंजाब का चुनाव हो या और किसी कहां चुनाव हो। राम रहीम को छोड़ना है, लगता है ये संविधान में, नए संविधान में उसने लिख के लिया है कि चुनाव में राम रहीम को छोड़ना ही है और यहां आकर महिला अत्याचार के ऊपर बात करेंगे, कानून बनाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, किसी भी भ्रष्टाचारी को, गुनेगार को मैं छोड़ूंगा नहीं, ये बात करेंगे। ये बोगस बात है, बकवास बात है सर। आपकी सरकार और आपकी पार्टी ये लोगों के ऊपर ही बनी है, खड़ी है। आज महात्मा गांधी की जो अक्टूबर जन्मदिन मनाया जा रहा है, क्या लगता है कि महात्मा गांधी के विचार महाराष्ट्र में आज भी है? कम ये पॉलिटिकल आपको किसने कहा? देखिए, गांधी जी के विचारों के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, जरूर हुए हैं, हो सकते हैं, लेकिन गांधी न होते तो देश स्वतंत्र भी नहीं होता। पूरे देश को जमाने में एक करना, लड़ने के लिए प्रेरणा देना, बहुत से क्रांतिकारक थे, सबका योगदान है, लेकिन गांधी जी ने देश को अखंड रखा। उस वक्त स्वतंत्रता संग्राम से पहले एक विचार दिया, इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य के साथ एक नंगा फकीर लड़ता रहा और आज भी ये देश गांधी के नाम से ही विदेश में जाना जाता है और नरेंद्र मोदी को विदेश में जाकर गांधी जी के सामने झुकना पड़ता है। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? Sarkar banegi to 36 baradriyon ki sarkar banegi. Ram Ram! Who will have the last laugh? Will it be Nayab Singh Saini of BJP? Or Bhupinder Singh Hooda from Congress? We'll turn the tables this time. Haryana mein maujood hai hum is waqt. Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.